दोस्तों, हम सभी ने ज़ोंबीज के ऊपर बनी कई फिल्में देखी है, पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये सब सच में हो जाए तो हमारी ये दुनिया कैसी होगी? जहां तक बात है ज़ोंबी अपोकैलिप्स के सच होने की, तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे वायरसेस देखे गए हैं जो किसी भी क्रिएचर के दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। कनाडा में ऐसे ही एक वायरस का पता चला है जिससे इन्फेक्टेड हुए हिरणों का बिहेवियर काफी ज्यादा अबनॉर्मल था। अभी ये वायरस इंसानों में फैलना शुरू नहीं हुआ है, पर वायरस वक्त के साथ अपने आप को बदल सकते हैं और शायद तब ये इंसानों पर हावी हो जाए। ऐसा सिर्फ ये एक ही वायरस नहीं है, और भी कई सारे वायरसेस का पता लगाया जा चुका है जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि ज़ोंबीज आखिर होता क्या है। ज़ोंबीज हम उन क्रिएचर्स को कहते हैं जो जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान होते हैं। उनका अपने ब्रेन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और वो सिर्फ जिंदा क्रिएचर का मांस खाते हैं। इनके काटने से ये वायरस दूसरे के शरीर में पहुंचकर उसे भी ज़ोंबी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती रहती है। इन्हें हम एक तरह से लिविंग डेड भी मान सकते हैं। अगर हम मान लें कि आज से कुछ दिनों के बाद ज़ोंबी अपोकैलिप्स पूरी धरती पर हो जाए, तो इंसान कैसे सरवाइव करेंगे? पूरी दुनिया के ज़ोंबी बनने पर ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप पड़ चुका होगा। मोबाइल फोन में भी नेटवर्क ना होने से आप किसी को भी कॉल नहीं कर पाओगे। जब आप अपने घर से बाहर देखोगे तो सड़कों पर सिर्फ ज़ोंबी ही दिखाई देंगे। जैसे तैसे करके आप कुछ दिन तो अपने घर में बिता लेते हो, पर आप अपने घर में ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे घर में संसाधन बिल्कुल सीमित होते हैं। कुछ दिनों के बाद आपके सारे संसाधन खत्म हो चुके होंगे, जैसे खाना और पीने के लिए पानी। इन सब की व्यवस्था करने के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। अगर आप ज़ोंबीज के डर से घर में ही छुपे रहे तो भूख और प्यास से आपकी दर्दनाक मौत हो सकती है, इसलिए आपको अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, तो आपको अपने साथ कोई ना कोई हथियार जरूर ले जाना है, ताकि ज़ोंबीज के हमला करने पर आप भी उन्हें टक्कर दे सकें। अगर आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे तो आपको वो सब काट कर आपको भी ज़ोंबी बना देंगे। मान लीजिए आप किसी तरह अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, अब आपको बिना आवाज किए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर आपने आवाज की तो सारे ज़ोंबीज आपके पीछे पड़ जाएंगे और तब इनसे बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। बाहर निकलने के बाद आपको कुछ भी करके एक सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी और अपने खाने पीने का भी इंतजाम वहीं पर करना पड़ेगा। इस समय आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी जगहों पर ही ज़ोंबीज ज्यादा हमला करते हैं। यदि आप उन जगहों पर पहुंच जाते हैं तो आप इतने सारे ज़ोंबीज का अकेले मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है। आपका सामना पूरी ज़ोंबीज की टीम से होने वाला है, तो आपको भी अपने लिए एक टीम का निर्माण करना पड़ेगा। आपको भी जिंदा इंसानों की टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप अपनी टीम के साथ रहते हो तो आपके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। गवर्नमेंट भी इन सभी ज़ोंबीज को खत्म करने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी, इसलिए आपको ऐसी जगहों पर छुपना पड़ेगा जहाँ पर कम से कम ज़ोंबी हो, वरना गवर्नमेंट के सोल्जर आपको भी ज़ोंबी समझकर मार देंगे। कई साल बीत जाने के बाद हमारे वैज्ञानिक इस ज़ोंबी वायरस का इलाज ढूंढ लेंगे। अब फिर से सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। धरती पर लाइफ फिर से सामान्य होनी चालू हो जाएगी। इंसानों की पॉपुलेशन अब बहुत कम होगी और धरती के सीमित संसाधन सबके काम आने लगेंगे। आपको ये रोमांचित सफर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही हमारे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।